दूसरा T20 मैच जो ही खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वर्सेज बांग्लादेश के बीच। आपको इसमें दोनों में हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन टीम एनालिसिस करने के बाद मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया कि मुझे क्या लगता है इस मैच में वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में कौन सी टीम जो इस मैच को जीत सकती है। तो वीडियो बहुत ज्यादा जुड़ने वाले बार देख लेते हैं तब इस मैच के बारे में आपको ए टू जेड सभी जानकारी पता चल जाएगा, सभी रिकॉर्ड जो आपको इसी वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो वीडियो बहुत जरूर से उससे पहले अभी तक आपने जो इस वीडियो लाइक कर दे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। अब बात कर ले सबसे पहले तो इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड से कता ही होगा किसी मैच ने हेड टू हेड रिकॉर्ड जो कितना ज्यादा मायने रखता है। अगर इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये दोनों टीम लास्ट के 5 T20 मैच में जब आपस में भिड़ी है तो आपको बता दो T20 मैचेस में बांग्लादेश टीम की जो है वेस्टइंडीज से जीती है, वहीं 3 T20 मैचेस जो वेस्टइंडीज की टीम जो बांग्लादेश से जीती है। ठीक है, 3 T20 मैचेस में 2 T20 वेस्टइंडीज की टीम जीती है, वहीं एक T20 मैच जो बांग्लादेश की टीम जो है जीती है। ठीक है, लास्ट मैच जो वेस्टइंडीज की टीम जो बांग्लादेश की टीम से जीती है। बात करें दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की तो आपको बता दू कि अगर बात करें वेस्टइंडीज की टीम की रिसेंट फॉर्म की लास्ट की जो 5 मैच वेस्टइंडीज की टीम खेली है उसमें 4 मैचेस हारी है, 1 मैच केवल जीती है। बांग्लादेश की भी सेम हार है, बांग्लादेश के रिसेंट फॉर्म की बात करें लास्ट के 5 मैच केवल 1 मैच जीती है, 4 मैचेस जो है हारी। अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो वेस्टइंडीज ने 3 T20 मैच जो इंडिया से हार के हारी है, ठीक है, 1 T20 मैच जो इंग्लैंड से हारी है और 1 T20 मैच इंग्लैंड से ही जीती है। लास्ट के 5 मैचों की बात कर रहा हूं। अगर बात करें वेस्टइंडीज की तो वेस्टइंडीज की टीम जो है अफगानिस्तान से अपना 1 T20 मैच हारी है, 1 T20 मैच जीती भी है और 3 T20 मैच जो है पाकिस्तान से हार कर आ रही है। अगर बात करें दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन की तो आपको बताया दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन की बात करें वेस्टइंडीज की बात करें टीम कंपैरिजन लास्ट के 10 मैचेस जो वेस्टइंडीज की टीम खेली है तो वेस्टइंडीज की टीम का विनिंग परसेंट 30% का रहा, लास्ट के 10 मैचों में कितना 3 मैचेस जीती है। अगर बात करें एवरेज स्कोर के 70 के आसपास का एवरेज स्कोर देखने को मिला, हाई स्कोर देखने को 224 का, वहीं लो स्कोर देखने को मिला 104 का। बात करें बांग्लादेश की टीम की तो बांग्लादेश की टीम जो लास्ट के 10 T20 मैचेस के लिए सभी टीमों के साथ, ठीक है, सभी टीमों का रिकॉर्ड का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो साथ में जब खेली है 10% बांग्लादेश का विनिंग परसेंटेज रहा है, यानी कि एक ही मैच केवल जीती है लास्ट के 10 मैचों में। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 22 के आसपास का एवरेज स्कोर देखने को मिला है, हाई स्कोर 171 और लो स्कोर 73 रन के आसपास का। विनिंग एवरेज देख लो यहाँ पे लास्ट के 10 मैचों में विनिंग एवरेज कितना वेस्टइंडीज का ज्यादा है। अभी आपको बहुत कुछ बताना बाकी है, वीडियो को पूरा जरूर से देखोगे। बात करें दोनों टीमों का टीम एनालिसिस जो कि वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर बात करें वेस्टइंडीज की ओपनिंग साझेदारी की तो वेस्टइंडीज की ओपनिंग साझेदारी बहुत ज्यादा मजबूत है, वहीं बांग्लादेश की ओपनिंग साझेदारी थोड़ी कमजोर लग रही है। मिडिल ऑर्डर में वेस्टइंडीज की टीम बहुत ज्यादा मजबूत है और बांग्लादेश की टीम जो थोड़ी सी कमजोर लग रही है। ठीक है, मिडिल बैटिंग डेप्थ वेस्टइंडीज के पास है, पेस बॉलिंग में जो है दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में यहाँ वेस्टइंडीज की थोड़ा ज्यादा आगे दिखाई देती है, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट दोनों टीमें जो है स्ट्रॉन्ग है। बात करें दोनों टीमें टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की जिनका जो है अभी रिसेंट फॉर्म जो बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले बात कर ले वेस्टइंडीज के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की तो इनसे पहला जो नाम आता है निकोलस पूरन का आता है, दूसरा जो नाम आता है इस लिस्ट में अलजारी जोसा का, तीसरा नाम आता है ओबेड मैक्यू का, चौथा जो नाम आता है ए हुसैन का, पांचवा जो नाम आता है के म्यार का आता है। बात करें बांग्लादेश के टॉप 5 बेस्ट प्लेयर की पहला जो नाम आता है लिटन दास का, दूसरा नाम आता है साकिब अल हसन का, तीसरा जो नाम आता है ए हुसैन का, चौथा जो नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान का, वही पांचवा जो नाम आता है मोहम्मद दुल्ला का। ठीक है, ये दोनों टॉप 5 बेस्ट प्लेयर जिनका भी रिसेंट फॉर्म जो बहुत चला है और जो कि मुझे लगता है इस मैच में आपको बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते मेरे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन, उससे पहले आप जब मोबाइल ओपन टेलीग्राम ऐप को जाकर देखो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं, तो फटाफट जाकर ज्वाइन करें। आपको बताया दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन में टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इसमें कौन आपको वेस्टइंडीज की टीम जो इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है, बट ध्यान ये मेरा मैच का फाइनल अपडेट जो नहीं है, लेकिन अभी ध्यान कभी कभी ऐसा होता है मैच से पहले मैच पर कोई बड़ी खबर आ जाती है जिसका जो मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है। बोला लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर मिलते हैं।